बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को पीडीएफ भेजा है और ये जानने का कोशिश किया कि सर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है जो कि वेस्ट बंगाल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको दिया जाएगा। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले समझ लो कि कार्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का मतलब है बैंक में जब आप अकाउंट खोलते हैं, अकाउंट में आपके जितने पैसे होते हैं डेबिट कार्ड से आप उतना ही निकाल पाएंगे। क्रेडिट कार्ड का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशंस आपको एक क्रेडिट देता है, आप उतने क्रेडिट तक चाहे अकाउंट में रुपया हो या नहीं हो पहले आप उसको अवेल कर लेते हैं फिर उसको आप रिफंड करते हैं। यहां पर जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है वो मेनली इंप्लीमेंट किया जा रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, सारे स्टूडेंट्स के लिए होगा, जिसमें आप हायर एजुकेशन के लिए, जितने लोग हायर एजुकेशन कर रहे थे उसके लिए देखिए कितने तरह के प्रॉब्लम हो रहे थे। मेन प्रॉब्लम हो रहा था उसके लिए कि काफ़ी लोग हायर एजुकेशन फिर इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेन फैक्टर है मनी, मनी इज एवरीथिंग। सर पैसा ही नहीं है, हम एमबीए करना चाहते हैं, सर पैसा ही नहीं, हम बीटेक करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, बहुत सारे डिप्लोमा करना चाहते हैं सर, लेकिन मेरे पास सर पैसा नहीं है, कैसे होगा। ये सारा जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इसको दूर कर दिया गया है, पेरेंट्स को भी काफ़ी रिलीफ होगा। काफ़ी लोग क्या करते थे, घर का जो भी वैल्यूएबल गुड्स है जैसे मान लीजिए सोना चांदी का कोई बर्तन या फिर ऑर्नामेंट्स, उसको बेच देता था, घर गिरवी रख लेता था, किसी से ज़्यादा पैसा उधार लेता था। गवर्नमेंट ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में आ रहा होगा, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड टू रोल आउट बाई June 30। अब ऐसे लॉकडाउन चल रहा है, June 30 तक नहीं भी हो सकता है, बट हाँ जब ये बात सोचा गया है तो जरूर एक आध महीना लेट होगा लेकिन जरूर से होगा। इसके फीचर्स क्या क्या हैं सो देखिए। एक सारे स्टूडेंट्स को जो क्रेडिट लिमिट दिया जाएगा उस कार्ड में 10 लाख रुपये तक का होगा, यानी 10 लाख का क्रेडिट आपको पहले से मिल जाएगा। स्टूडेंट्स फ्रॉम Class 10 ऑनवर्ड्स 10 और उसके ऊपर वाले लोग अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए, बट हायर एजुकेशन, ये नहीं कि आपके पास 10 लाख का क्रेडिट लिमिट है और आप जाके आराम से दुकान खोल लिए, आप बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में खाना खा लिए, क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑनलाइन अप्लाई होगा, अप्लाई कैसे किया जाएगा, गवर्नमेंट बहुत जल्दी जैसे ही इसका कोई भी डेट बताएगा और साथ ही साथ कैसे अप्लाई होगा वो सारा कुछ बताएगा, तो हम एक वीडियो स्पेशली इसके लिए बना देंगे। 40 साल तक ये वैलिड रहेगा, इसके बाद अपने आप लैप्स हो जाएगा। जब आप क्रेडिट लिमिट लेंगे हायर एजुकेशन के लिए तो उसको आप 15 साल तक रिपे कर सकेंगे और इसमें 4% का इंटरेस्ट भी है, वो भी सालाना सिंपल इंटरेस्ट, यानी ना के बराबर इंटरेस्ट है। तो वेलफेयर के लिए बंगाल गवर्नमेंट आपके लिए ये स्कीम 30 जून तक रोल आउट करने के लिए बोला है, बट हम जैसा कि बताएं जैसे ही इसके बारे में फर्दर कोई भी नोटिस आएगा तो हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे और कैसे ये काम करेगा, ये पूरा एक एक चीज़ आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इतना आपको जानना बहुत ज़रूरी था। जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं अब मायूस मत होइए, चेहरे पर थोड़ा मुस्कुराहट लाइए, कारण क्या है आपके लिए ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन बात वही हो गया ना, आप बोल रहे हैं सर पढ़ाई का माहौल क्या है, अरे सर अभी माहौल ही नहीं है। देखेंगे जी, गंदे चीज़ के लिए माहौल बनाया जाता है, एजुकेशन के लिए माहौल नहीं बनाया जाता, पढ़ने लिखने के लिए माहौल क्या है, अच्छे चीज़ के लिए माहौल नहीं बनाया जाता है, ये बात पूरा दिमाग में बिठा लीजिए। अच्छे चीज़ के लिए समय चाहिए, आपके पास समय ही समय है, टाइम ही टाइम है, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। बहुत सारे आप जानते हैं कि अगर आपको ये सब हायर एजुकेशन में अगर मतलब नहीं है कोई दिक्कत का बात नहीं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप माथुर सर कंपटीशन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आप हायर एजुकेशन के लिए बेस अच्छा होना चाहिए, तो मान लीजिए आपका अगर सेमेस्टर जो आप लिए हैं 1-6 अगर वही मजबूत नहीं है तो हायर एजुकेशन में पैसा भले ही मिल जाएगा आपको लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखने के लिए हमारे पास माथुर सर क्लासेस के पास, मेरे टीम के पास सब कुछ है। आपको पेन ड्राइव चाहिए, अगर आपको ऐप से चाहिए सब कुछ मिलेगा, आप मेरे को सिर्फ एक कॉल कीजिए। तो ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में जैसे ही बंगाल गवर्नमेंट से कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपके लिए इसका फुल और डिटेल्स वीडियो जरूर लेकर आएंगे।
तब तक के लिए बाय।